बेंगलुरु जा रही राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में रविवार रात तेलंगाना के विकाराबाद जिले के निकट आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये घटना रात करीब 9 बजे उस दौरान हुई जब नई दिल्ली से बेंगलुरु जा रही राजधानी एक्सप्रेस नवंडगी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, तभी लोको पायलट को इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया और उसने सावधानी पूर्वक ट्रेन को रोक दिया। आग की मामूली लपटें इंजन के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रहीं और बाद में इंजन को बोगियों से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने उस आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।